इंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम अब नेक्स्ट सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करेंगे। अभी तक आपने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, इसको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें सभी टैब के सभी ऑप्शन के बारे में बताया गया है। फिर भी लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा है मैं उसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे सकूं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इंट्रोडक्शन जानने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑल प्रोग्राम। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिस्ट में यहां होता है। यहां पर आप देखेंगे जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे आया हूं, यहां पर एक बॉक्स आया है, आप देखेंगे इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसके बारे में पूरा डिटेल जानते हैं। यहां पर देखेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है, तो इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन में जब हम देखते हैं, इंट्रोडक्शन क्या होता है, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक्सेल पर माउस का पॉइंटर ले जाते हैं तो वहां पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का परफेक्ट एक इंट्रोडक्शन आता है, मतलब वो किस लिए यूज किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। आप देखिए जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सेल का हम माउस का पॉइंटर ले जाते हैं तो ये लाइन लिखा आता है जिसमें एक मैटर लिखा हुआ है जो एक शॉर्ट में इसका इंट्रोडक्शन दिखाता है। यहां पर आप देखेंगे आप लिखा हुआ है परफॉर्म कैलकुलेशंस, एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड विजुअलाइज डेटा इन स्प्रेडशीट व्हाई यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। इसका क्या अर्थ है, इसमें हम आपको बता दें सिंपली, इसमें ये लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप कैलकुलेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गणना करना, यानी कि कैलकुलेशन किसी भी तरह की जा सकती है। तो इसमें क्या है, कैलकुलेशन हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल के माध्यम से गणना कर सकते हैं। एनालिस्ट इंफॉर्मेशन, एनालिस्ट मतलब हिंदी में विश्लेषण करना होता है, जब किसी तरह का विश्लेषण करना हो तो हम इसके माध्यम से कर सकते हैं, यानी कि इसमें कैलकुलेशन के लिए मैं आपको बता दूं इसमें कुछ एक्सेल के अंदर कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनका यूज किया सकता है। एनालिस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जो चार्ट्स थे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी देखे होंगे उनके माध्यम से हम किसी भी तरह का एनालिस्ट कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है इसमें स्प्रेडशीट में डेटा की कल्पना, यानी कि विजुलाइज मतलब हिंदी में होता है किसी चीज की कल्पना करना, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं डेटा को स्प्रेडशीट के रूप में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। इसके लिए सारे वीडियो बनाए जाएंगे किस तरह से किस ऑप्शन का यूज किया जाता है, इसको आप आसानी से समझें। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बारे में समझा है, हम इसके ऑप्शन के बारे में समझते हैं, कौन से ऑप्शन कहाँ पर होते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, इस तरह से देखिए आप, इसको हम ऑफिस बटन बोलते हैं। कुछ ऑप्शन इसमें वही होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो एक्सेस टूल बार होती है, यहाँ पर आप देखेंगे इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार में हमेशा सॉफ्टवेयर का नाम लिखा आता है जिस सॉफ्टवेयर को हमने ओपन करके रखा है। इसके बाद मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन, क्लोज, यहाँ पर 7 टैब होते हैं, लेकिन ध्यान रखें 5 टैब के नेम सेम होते हैं, जैसे होम, सेट, लेआउट, रिव्यू, व्यू, ये आप देखेंगे नेम सेम है। इसके बाद लेकिन 2 टैब बीच में फॉर्मूला एंड डेटा, यहाँ पर ये 2 चेंज हो चुके हैं। इसके बाद जो इनको हम क्या कहते हैं 7 टैब है। इसके बाद ये होता है पूरा, आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, इसको हम बोलते हैं रिबन। रिबन के अंदर जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं उनको हम ब्लॉक बोलते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये बॉक्स है, इसमें क्लिप बोर्ड है, इसमें फॉन्ट है, ये हमारे क्या है ब्लॉक है, ये पूरा रिबन है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है यहाँ पर होता है नेम बॉक्स, ये क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, फिलहाल आपको बता दें नेम बॉक्स में जिस रो और कॉलम सेल पर होते हैं हम वो एड्रेस तो होता है। इसके बाद इसमें होती है फॉर्मूला बार, यहाँ पर आप देख रहे होंगे फॉर्मूला बार है। इसके बाद नेक्स्ट जो है अपना, इसको हम कॉलम बोलते हैं, जिसमें ए बी सी डी एफ करके आपके कॉलम दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बता दें एक्सेल में रो और कॉलम होते हैं, ध्यान रखें जो ऊपर साइड जिसमें हेडिंग शो होती है उनको हम कॉलम बोलते हैं, और जो लेफ्ट में हेडिंग शो होती है वो रो होती है। याद रखें रो को हमेशा न्यूमेरिक यानी नंबर में शो होती है, और कॉलम हमेशा अल्फाबेट यानी एबीसीडी में शो होते हैं, इस तरह से इनको हम रो कहते हैं। यहाँ पर हमारी सीट होती है, यहाँ देख सकते हैं आप रो इस तरह की लाइन होती है और कॉलम ऊपर से नीचे होते हैं, और जहां दोनों मिलकर एक बॉक्स बनाते हैं उसको हम सेल कहते हैं। एक्टिव सेल क्या होता है, एक चीज बताना चाहूंगा, इसमें क्या होता है जब आप किसी सेल पर क्लिक करेंगे तो वो एक्टिव सेल माना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे स्क्रॉल बार है, इससे हम सीट को अप एंड डाउन कर सकते हैं, इसे स्क्रॉल बार कहते हैं। इसके बाद इसमें एक और होता है शीट नेविगेशन, वर्कशीट, सॉरी वर्कशीट नेविगेशन, इससे हम सीट को अप
लेफ्ट और राइट में आसानी से कर सकते हैं। यहां पर आपको बता दें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब भी ओपन करते हैं तो हमेशा तीन सीट ओपन होती है, सीट 1, 2, 3, और सीट खोलना है तो यहां से इंसर्ट किया जा सकता है। एक्टिव वर्क सीट कहते हैं, कौन सी जो आपकी एक्टिव होगी यानी ओपन होगी। इसके बाद स्क्रॉल बार होती है एक और यहां पर, यहां से हम क्या कर सकते हैं, सीट को लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। ये हमारी स्टेटस बार कह सकते हैं इसको। इसमें लास्ट में आपका क्या होता है, राइट हैंड साइड में जूम बटन होता है जिससे हम पेज को सीट को जूम कर सकते हैं, बड़ा या छोटा। इसके बाद लेआउट होते हैं यहाँ पर, इस तरह से आप देख सकते हैं। पूरा इंट्रोडक्शन है किस ऑप्शन का यूज कहाँ पे किया जाता है, किस तरह से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं या वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। यहाँ पर अभी हमने क्या क्या जान लिया है, इस वीडियो में हमने केवल इंट्रोडक्शन जाना है एक्सेल का, और एक्सेल के अंदर किस ऑप्शन को क्या नाम होता है ये जाना है। आगे हम अब इसके ओपन करने के बाद ऑप्शन को समझेंगे। बाद में आपको बता दूं एक्सेल ओपन होने पर यहाँ पर बिल्कुल सेम ऐसा ही दिखेगा। इसको मैं ओपन करता हूँ। एक्सेल को ओपन करने का स्टेप भी वही है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थे। सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करना होता है, फिर ऑल प्रोग्राम के अंदर क्लिक करना होता है, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जाकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ आप देखेंगे इस तरह से एक्सेल कुछ दिखाई देता है। इसको एक्टिव सेल में आपको थोड़ा समझा देता हूँ क्या है। एक्टिव सेल यानी कि अभी हम किस सेल पर हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। अभी हम J14 पर हैं, यानी कि आप किसी भी सेल पर जब होते हैं तो उसमें कॉलम और रो पर क्या होता है, कलर शो होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी किसी सेल पे मैं क्लिक करता हूँ तो ब्लैक कलर का बॉक्स 11 पे आ रहा है, कलर से देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं नेम बॉक्स में देखिए यहाँ पर O11 शो कर रहा है। इसके अलावा मैंने पहले ही बताया था ये कॉलम है जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं और ये रो है, और दोनों मिलकर जिसे बॉक्स बनाते हैं उसको हम सेल कहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट इनके ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।